आओ हम मैथमेटिक्स को जानते हैं और इसे अपना फेवरेट बनाते हैं, क्योंकि चांद से लेकर तारों तक, सूर्य से लेकर ब्रह्मांड तक, नदियों से लेकर सागर तक, पहाड़ों से लेकर पठार तक, हर जगह वो रची हैं। ब्रह्मांड की हर वस्तु में मैं सी बसी हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गणित दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और श्रीनिवास रामानुजन के चरणों में वंदन नमस्कार करती हूँ। विश्व के महान गणितज्ञ रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1888 को तमिलनाडु के ईरोड नगर के एक छोटे से गांव में हुआ। रामानुजन ने गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, अनंत सीरीज और निरंतर भिन्न अंशों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज का दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। गणित के महत्व को भी दर्शाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर 2012 को रामानुजन की 125वीं जयंती पर देश में पहला राष्ट्रीय गणित दिवस बनाया। तब से हर वर्ष 22 दिसंबर को यह दिन बड़े ही रोचक तरीके से बनाया जाता है। इस दिन विद्यालय में शोध कार्य, मैथ्स एग्जीबिशन लगते हैं और विद्यार्थी इसमें अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर को एज चीफ गेस्ट बुलाया जाता है और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। फ्रैक्शन से लेकर डेसिमल तक, एल्जेब्रा से लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक तक बस सीखते जाना है, क्योंकि दुनिया की हर चीज में इसकी ही तो माया है अगर सूर्य और चांद के बीच की दूरी निकालनी हो, या समुद्र तल की गहराई नापनी हो, या कोई नींव रखनी हो, या कोई बड़ा सा महल खड़ा करना हो, या कोई वस्तु खरीदनी हो, बेचनी हो, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, हर जगह मैथमेटिक्स काम आती है और इसी की इम्पोर्टेंस बताने के लिए हम राष्ट्रीय गणित दिवस बनाते हैं। अंत में चार पंक्तियाँ कहती हूँ और मैथमेटिक्स डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एक लंबा सा सफर है, बस चलते जाना है, बिना रुके बिना हारे, हर चीज को बारीकी से अब समझना है। रटने का विज्ञान नहीं, यह जीवन का सार है। अनुभवी लोगों की कामयाबी की यही तो मिसाल है। धन्यवाद।